तो अब आदित्य और क्षितिज के साथ साथ नरेश और कुणाल भी हमारे साथ मौजूद हैं शो पे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कुणाल, आपसे ही समझना चाहेंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पे। तो धन्यवाद शो पे इन्वाइट करने के लिए। दो बाय कॉल रहेंगे और बैंकिंग स्टॉक्स पे क्लियर फोकस रहेगा। पहला रहेगा बाय बैंक ऑफ बड़ौदा पे, जो अपने फ्रेश स्विंग ब्रेकआउट पे आ चुका है, तो 180 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सजेस्ट करूंगा बाय के लिए 188 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 176 का। और सेकंड स्टॉक सिटी यूनियन बैंक पे, जिस पे मैंने लास्ट वीक पीक बुलिश कॉल दी थी। स्टॉक हालांकि कंसोलिडेट कर रहा था, बट आज वापस से बहुत ही अच्छे मोमेंटम पे आया है, तो सिटी यूनियन बैंक पे दोबारा बाय कॉल रहेगी, 142 का टारगेट, स्टॉप लॉस 129। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा और सिटी यूनियन बैंक, ये कुणाल की तरफ से, और SBI और एक्सिस बैंक हमारे एक्सपर्ट्स पहले भी बता चुके हैं। तो चार शेयर आपके लिस्ट में हो गए बैंकिंग से। आज सब लोग उतना कसमें खा के आएंगे, बैंकिंग क्लाउज बताएंगे नहीं। बिल्कुल अभिषेक, लग तो ऐसे ही रहा। लेकिन बाजार के जो रंगत है उसमें फ्लेवर के साथ चलना समझदारी होती है, बाजार का ये दस्तूर भी है। आपसे जानना चाहेंगे नरेश, आपके लिस्ट में क्या बैंकिंग के अलावा भी कोई शेयर है, या फिर आपके लिस्ट के में भी बैंकिंग वाले स्टॉक्स हैं? सो बैंकिंग स्टॉक्स ही है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स। तो सबसे पहले बाय रहेगा SBI पर, जिसने लास्ट 3-4 दिन का हाई क्रॉस किया है, मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है, और PSU बैंक इंडेक्स में भी अच्छा ब्रेकआउट है। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 545, टारगेट होगा 575 का। दूसरा बाई है IDFC लिमिटेड, जिसने एक नया 52 वीक हाई बनाया, अच्छा फ्लैग और ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया 82 के ऊपर। यहाँ पे भी एक शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 90 का, स्टॉप लॉस होगा 81। ओके, तो दोनों ही फाइनेंशियल पिक्स नरेश की तरफ से आती हुई, पर समझना चाहेंगे आदित्य आपसे कि कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं। मैं बैंकिंग स्टॉक को अवॉइड कर देता हूं अब, क्योंकि बहुत ज्यादा बैंकिंग की बात कर चुके हैं हम। तो पहला वेस्ट लाइफ रहेगा, चार्ट निकाल के देखिए, बहुत ही शानदार तेजी, वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हो रहे हैं इस पे। करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह रहेगी, 720 का स्टॉप लॉस लगा है, ऊपर 780-802 टारगेट्स मिलेंगे। बहुत ही अच्छा एक अप मूव देखने मिल रहा है, कंटिन्यू होना चाहिए। सेकंड स्टॉक मिनी टाटा मोटर्स, सृष्टि टाटा मोटर्स का रहेगा, बहुत अच्छा एक सडन मूव देखने मिल रहा है हमें टाटा मोटर्स में नीचे के लेवल से। करंट लेवल्स पे बाइंग की सलाह रहेगी, नीचे 465 का स्टॉप लॉस लगा है, ऊपर 480-495 का टारगेट। ठीक है, वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड, वेस्टलाइफ डेवलपमेंट इसका नाम हुआ करता था, और काफ़ी समय तक हमने देखा था कि एक वक्त था कि 200 पर रुका था शेयर, ये फिर 400 पर 20 बनाया, और अभी देखिए 700 रुपये के ऊपर जाकर ये ट्रेड कर रहा है। टाटा मोटर्स भी पसंद है, और टाटा मोटर में हम 400 रुपये के स्तर से लगातार बाइंग देख रहे हैं, और अब 450 रुपये पर ट्रेड कर रहा, लेकिन 480 और उसके ऊपर 495 तक ये शेयर जाएगा, ऐसा भरोसा है आदित्य को। तो आदित्य ने थोड़ा सा बैंकिंग से हट के दो और स्टॉक्स दे दिए हैं, लेकिन आखिर में क्षितिज आपसे जानना चाहेंगे आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे, कहां तेजी आपको दिख रही है या फिर कहां मंदी करनी चाहिए, बताइए आप। बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए यहाँ पे अभी जो मोमेंटम है बिल्कुल बैंकिंग स्टॉक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स के अंदर बना हुआ है, तो बेटर वही रहता है जहाँ पे मोमेंटम कैच किया हो ऑलरेडी मार्केट में, उस मोमेंटम को हम लोग बैट करके प्ले आउट करने की कोशिश करें। तो बैंक बड़ौदा देखिए मेरे रडार पे भी आया था, बट ऑलरेडी यहाँ पे कुणाल जी ने सलाह दे दी है। दूसरा जो स्टॉक है बैंकिंग स्टॉक्स में से मैं निकालूंगा कैनरा बैंक का। कैनरा बैंक की बात करें तो अगेन एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। चार्ट्स की अगर ओवरऑल बात करें तो ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 300 रुपए के ऊपर, स्टॉक लगभग 303 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जो मोमेंटम बैंकिंग स्टॉक्स ने कैच किया है पर्टिकुलरली PSU बैंक्स में, यहाँ पे मोमेंटम कैच करने की कोशिश करूंगा, तो 303 रुपए के लगभग यहाँ पे बाइंग करने की सलाह रहेगी कैनरा बैंक के अंदर। स्टॉप लॉस है, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 297 के नीचे। अपसाइड में मुझे लगता है 315 तक के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल रखता है कैनरा बैंक। दूसरा देखिए, दूसरा स्टॉक रहेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस का। अगर हम लोग ओवरऑल टेक्निकल सेटअप पे बात करें तो बीते कई सेशन में स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है, ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ स्टॉक का लगभग 325 के लगभग ट्रेड करता दिखाई दिया था, बट अब लोअर लेवल्स पे स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बिल्डअप कर लिया है, अच्छा खासा मोमेंटम कैच करता दिखाई दे रहा है लोअर लेवल से। तो दूसरी बेट रहेगी LIC हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर, स्टॉक लगभग ट्रेड कर रहा है 338 के आसपास, यहाँ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 332 रुपए के नीचे। 332 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे लॉन्ग बेट लेने की सलाह रहेगी। अपसाइड में मुझे लगता है स्टॉक में 350 तक के लेवल्स टेस्ट करने का पोटेंशियल है, अच्छी खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी स्टॉक के अंदर। तो दूसरा स्टॉक रहेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस का। ठीक है, केनरा बैंक और LIC हाउसिंग फाइनेंस, बैंकिंग फाइनेंशियल पर क्षितिज का भी भरोसा, और